हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं नुवोको विस्ता कॉरपोरेशन एलईडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का कुछ स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊँगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी से हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी शेयर बाय चार्ट भी देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नुवोको विस्ता कॉरपोरेशन की बात की जाए, कंपनी जो है 1999 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली हमें अगर कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, नुवोको विस्ता कॉरपोरेशन ने जो कंपनी एक लाइक देखा तो सीमेंट सीमेंट कंपनी जो कि सीमेंट बनाने का काम करती है, साथ में सीमेंट क्या उसका सेलिंग का भी काम करती है। कंपनी के वाइड रेंज में लाइक कंपनी के प्रोडक्ट्स के नेम अगर आपको बता सके, सीमेंट में है रेडी मिक्स कॉन्क्रीट कंपनी बनाती है, एंड साथ में मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स जो थे इसका भी कंपनी क्या बनाने का काम करती है। साथ में जो भी लाइक अगर देखे जाए जैसे कि ड्राई प्लास्टर हो गया, वॉल पुट्टी हो गए, कवर ब्लॉकेज हो गया, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी क्या है ये प्रोवाइड करती है अलग 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 कस्टमर्स को। इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी देखें मार्केट में काफ़ी अच्छी है, एंड इसके अलग डेटा भी दे काफ़ी हद तक इसके अच्छे दिए हुए। सो मेरे हिसाब से कंपनी क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करने के लिए कंपनी क्या अच्छी खासी कंपनी है। बाई कंपनी के भी प्रोफाइल की बात हमने कर लिया है। यहाँ पे कंपनी के डेटा की बात करें, कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया, 12,868 करोड़ का दिया हुआ है। स्टॉक पी देखिए 30.8 दिया हुआ है, एंड वही कंपनी का अगर आप बे कितना स्टॉक इंडस्ट्री पी देखिए 37 दिया है, जो कि देखा जाए स्टॉक पी ज़्यादा इंडस्ट्री पी ज़्यादा है। इसमें क्या है कंपनी का जो करंट वैल्यू देखिए 368 क्या है, मतलब है ये कि स्टॉक के भी अंडर वैल्यू जोन में क्या है ट्रेड हो रहा है। ये यहाँ पे कंपनी का अगर हम रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड देखें 1.93% दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 4.73%, जो कि नंबर्स ऑफ प्रॉफिट देखिए कंपनी के थोड़े बहुत लगभग के अच्छे खासे यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइक इतना प्रॉफिट नहीं कंपनी कर रही, बट कंपनी क्या पे मिनिमम प्रॉफिट कर रही है। एंड अर्निंग पर शेयर देखिए बहुत ही कम दिया, 0.44 PC दिया हुआ है। प्लेस परसेंटेज की बात करें, कंपनी ने अपना स्टेक प्लेस पे नहीं दिया, जो कि मेन अगर हमें कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग देखा अच्छा खासा दिया, एवरेज में दिया है 71.8% का। बुक वाली देखिए 247 करोड़ का दिया है, वही कंपनी का अगर टोटल असर देखिए तो 18,988 करोड़ का दिया हुआ है यहाँ पे। एंड कंपनी का भाई अगर डेप्थ, कंपनी का डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, 4,785 करोड़ कंपनी के पास डेप्थ यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी कंपनी का अगर हाई लो यहाँ पे देखिए, हाई 475 तक गया था, लो 288 तक, सो अराउंड 2,365 के अराउंड अगर ये लाइक ब्रेकआउट देता है कितना 365 के अराउंड, देन आप लाइक इसमें क्या एंट्री कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसको उस शेयर को भी रखोगे तभी आपको लाइक मिनिमम आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, एंड वही कंपनी का इंडस्ट्री भी देखिए 37, एंड लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने कितना 9.26% का रिटर्न दिया है। सो मिनिमम क्या है यहाँ पे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो देन आपको रिटर्न में अच्छे खासे मिल जाएंगे। नेक्स्ट वही कंपनी के पे कंपेरिजन की बात करें, नुवोको विस्ता यहाँ पे 6 नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है एज कम्पेयर बाकी कंपनी से। वही कंपनीज के अगर हम नंबर्स ऑफ प्रॉफिट देखें, कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट किया, बाकी की भी कंपनीज हैं जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करती हैं, डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो चीज़ें देख के ही आपको लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी नुवोको कंपनीज यहाँ पे डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है, बाकी कंपनीज डिविडेंड प्रोवाइड करी, जो कि अगर आप देखें बाकी कंपनीज के अगर आप शेयर प्राइस देखें, करंट प्राइस देखें, तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं, तो वो चीज़ देख के ही आप इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट वे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें यहाँ पे, तो कंपनी का नंबर्स ऑफ सेल्स कंपनी के देखें तो काफ़ी हद तक यहाँ पे क्या हुए हैं वो क्या है इंक्रीज हुए हैं। मार्च 2023 का देखिए 292 करोड़ का कंपनी का लोग कितना प्रॉफिट हुआ, लाइक 2,928 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 2023 में। देन वही कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर से, कितना भी हो रहा है 2,548 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ। नंबर्स ऑफ नेट प्रॉफिट देखे सो लास्ट दिसंबर 2022 का मेरी कंपनी को -75 करोड़ का लॉस हुआ था, उसके पहले 130 करोड़ का लॉस हुआ था, एंड आफ्टर दैट लाइक 2 क्वार्टर्स के बाद ही कंपनी को 201 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के यहाँ पे क्या है क्वार्टरली वाइज अभी क्या इंक्रीज हुए हैं अगर कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से। ईयरली वाइज भी देखें सो नंबर्स ऑफ सेल्स जो सबसे ज़्यादा हुए हैं वो मार्च 2023 में हुए हैं। नंबर्स ऑफ प्रॉफिट भी देख कंपनी के देखें सो मार्च 2023 में हुए, लाइक 16 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे देखा जाए तो। उसके कंपेयर करें मार्च 2022 से तो उसमें 32 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट, अभी 16 करोड़ का ही हुआ है।
क्योंकि लास्ट अगर हम क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के देखें तो दोनों में काफ़ी हद तक कंपनी को लॉस हुआ था, उसके पहले देखें कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। इसके कारण कंपनी का अगर हम यहाँ पे देखें 2023 का तो 16 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ, बट कंपनी ने प्रॉफिट किया है। सो हो सके तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्डिंग कीजिएगा। नेक्स्ट में कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंपनी का जो नंबर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है, प्लस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो लिटिल बिट लाइक प्रॉफिट से कम हो रहे हैं। यहाँ पे मेन अगर आप देखें तो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के यहाँ पे मार्च 2023 में कम आया एज कम्पेयर लाइक लास्ट ईयर से। मेन ये भी रीज़न होता है कि बाहरी कंपनीज भी लाइक मार्केट में होती हैं जो कि लाइक सेम सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके प्रोडक्शन अच्छे खासे होते, या फिर ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट्स अगर अच्छे खासे नहीं होते लाइक नहीं होते मतलब लाइक वो नहीं होता है, बट यहाँ पे लगे प्रोडक्ट्स लाइक प्रॉपरली अगर उनकी सेल्स नहीं होगी तो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट जो होते हैं ग्रोथ जो होती है उसकी कम दिखती है हमको। सो मेन इसका यही एक रीज़न है। नेक्स्ट वही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे ओवरऑल सेम ही दिया 71.78 करोड़ का, सॉरी 71.76% का। एफ आई शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे तो कितना 2.76% का दिया हुआ है, एंड डी आई शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे 29.60% का दिया हुआ है। देन वही कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे तो 4.87% का दिया है, और शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे कंपनी के लाइक एवरेज में दिए हुए हैं। नेक्स्ट वही कंपनी के शेयर प्राइस चार्टन की बात करें, 8 अगस्त का देखे 360 पे क्लोजिंग था, उसने 1.54% डाउन था। यहाँ पे अगर आप पब्लिकली चार्ट देखे स्टॉक ने काउस के पहले बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया था, बट यहाँ पे देखे तो एक ही रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ पे अराउंड अगर ये 366.50 के आसपास अगर ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें टारगेट पकड़ के चल सकते 376 का, एंड आपको सपोर्ट आपको इसमें 357 का आपको सपोर्ट आपको लेके चलना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करते हो सो अगर ये फिलहाल अगर यहाँ पे 376 का जो मैंने टारगेट दिया वहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है डेफिनेटली ये क्या है 410 के जाने के चांसेस हैं। सो ध्यान में रख के ही आपको इसमें एंट्री करनी है। सो आई थिंक सबके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।